नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो पौधा, ये फूल जो दिख रहा है आप, ये हिबिस्कस का पौधा। देखिए फूल इतना अच्छा फूल फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये सारे जो है आज कम से कम 5 फूल खिला है इसमें। तो देखिए इसमें बहुत सारा जो है बर्ड्स भी है। तो इसका जो मेन आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इसको कैसे मैंने इसको सर्वाइव करवाया, इसको इसके ऊपर मैं जानकारी दूंगा। ये पूरा टोटली जो है मिलीबग्स का शिकार हो गया था, उसके बाद जो है इसको बहुत ही मेहनत करके इसको बचाया मैंने। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले जो है आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको साथ साथ ही देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि कैसे मिलीबग का मतलब जो अटैक हुआ था और कहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था, इसको पूरा जो है जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहले दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये जो है मेरा ये जो कटिंग देख रहे हैं आप, इसके अंदर से मैं यहाँ से बिल्कुल पूरा काट के मतलब फेंक दिया था, क्योंकि इतना मिलीबग इसमें मतलब अटैक किया था, तो काटने के अलावा और कुछ मेरे पास उपाय नहीं था। उसके बाद भी दोस्तों देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे जो है ये सफ़ेद सफ़ेद, ये बिल्कुल जो है वो मिलीबग ही इसमें लगा हुआ था बिल्कुल। इसमें अभी तो इसमें मतलब ये जस्ट दाग है, लेकिन वो अभी जो मिलीबग्स वो उसमें है नहीं। लेकिन कैसे मैंने इसको ख़त्म किया और कैसे इसको मतलब कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज़ किया मैंने आपको दिखाऊंगा, और पेस्टिसाइड्स कैसे मतलब उसको यूज़ करते हैं वो भी पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। जो पेस्टिसाइड्स है मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे उसको तैयार किया जा रहा है और क्या पद्धति मैंने यूज़ किया, ताकि इसको मतलब क्या ना मैंने इसको बचा पाया। तो दोस्तों ये देखिए अभी मतलब इसमें जो जितने फ्लावर्स है कितने सारा जो है अभी भी इसका जो पत्ता है, देखिए ये देखिए पत्ता ये देखिए मुड़ गया, और ये इसमें भी मतलब जो है अभी ये कीड़ा जो है पूरा बिल्कुल मतलब क्या ना कंप्लीट नहीं हुआ। ये पत्ता जो है मुड़ रहा है अभी भी, और इसमें अभी भी मतलब जो है इसका असर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मैं अभी आज भी इसको स्प्रे करूँगा, और कैसे मतलब कौन सा पेस्टिसाइड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ और कैसे यूज़ करूँगा उसको मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए बने रहिए, और ये देखिए कितने सारे फूल जो है यहाँ पे खिल रहा है, और इसमें करीबन आज 5 फूल है जो खिला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा इसमें बर्ड्स भी है, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा जो बर्ड्स दिख रहा है आपको, ये सारे जो है अभी खिलने बाकी है। तो इससे इसके बाद बावजूद भी देखिए ये जो है इसमें ये पत्ता जो मुड़ रहा है, कुछ जो है ब्रांचेस में ये पत्ता मुड़ रहा है, जैसे ये ऊपर भी देखिए, ये देखिए मैंने पिछले हफ्ते में भी स्प्रे किया था, लेकिन उस पर कुछ फ़ायदा हुआ, थोड़ा मतलब जो है इसमें रिकवर हुआ, लेकिन अभी फिर दोबारा जो है इसमें स्प्रे करेंगे तो ताकि ये पूरा फुल रिकवर हो जाए। ये देखिए इसमें पत्ता भी जो है मुड़ा हुआ है। तो ये सारा जो है अभी इसमें जो स्प्रेइंग करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पेस्टिसाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ और कैसे उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने चूज़ किया ये नीम झील है, मतलब नीम ऑयल का ही एक प्रोडक्ट है ये। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको मैंने यूज़ किया बहुत दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये वेजिटेबल्स के लिए भी और साथ में फ्लावर्स का जो प्लांट है उसमें भी बहुत कारगर है, इसको बहुत इफ़ेक्टिव है ये। तो चलिए दोस्तों इसको जो तैयार करना है कैसे मैं दिखाता हूँ। ये जो मेरा स्प्रेइंग मशीन है, ये स्प्रेइंग मशीन ये 600 ml का इसमें पानी आता है। तो 1 लीटर पानी में दोस्तों, ये 1 लीटर पानी में कम से कम 20-25 जो है बूंद 20-25 जो ड्रॉप्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसके साथ जो है मैंने ये क्लिनिक प्लस शैम्पू, क्योंकि केवल जो पानी में अगर इस्तेमाल करके आप इसको यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसके साथ इसको डालने से मतलब ये जो शैम्पू है इसको डालने से इसका जो इसके इसमें जो ये मिक्सचर तैयार होता है वो बहुत दिनों तक मतलब जो प्लांट्स है उसमें वो चिपक जाता है। तो दोस्तों ये मैंने जो है इसमें छेद करके रखा है, तो मैं अपने अंदाजा से ही मतलब 20 ड्रॉप मतलब 20 ड्रॉप्स जो है मैं अंदाजा से डालता हूँ इसमें। तो आप मतलब जो अगर ड्रॉपर का यूज़ करना है तो आप ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, 20 to 25 ड्रॉप्स आप डालना है, जो कि 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप्स भी आप डाल सकते हैं। तो ये 600 ml है, इसलिए मैंने 20 ड्रॉप्स मतलब अंदाजा से मेरा अंदाजा हो गया, इसलिए 20 ड्रॉप्स इसमें डाल दिया, और एक जो है क्लिनिक प्लस शैम्पू उसमें डाल देंगे, उसके बाद इसको घोल लेंगे।
इसको इस बार अभी जो है इसमें डाल के इसको मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि कैसे मतलब क्या ना स्प्रेइंग करना है, पूरा जो पत्ता है और प्लांट्स है उसको मैंने कैसे स्प्रे करता हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो प्लांट्स मैंने आपको दिखा है, ये पत्ता जो मुड़ा हुआ है, तो इसको जो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया दोस्तों, उसके बाद इसको बिल्कुल स्प्रे करना है पत्ता में एकदम, जो पत्ता जो इसका फ्रंट एंड बैक साइड बिल्कुल मतलब इसमें बैक साइड भी और सामने वाला जो ये है पत्ता है उसमें भी मतलब बिल्कुल उसको आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो तभी जाके ये तो दोस्तों स्प्रे मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये लगातार जो है स्प्रे कर मैंने स्प्रे किया, उसके बाद ही जो है ये पौधा मतलब अभी ये इतना अच्छा अभी खिल रहा है, ये जो फ्लावर है और ये जो पत्ता है आप देख रहे हैं बहुत सारा मतलब इसमें चेंजेस आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इसमें जो है अब धीरे धीरे जो ये पत्ता भी ठीक ठाक हो जाएगा और टेस्ट भी कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरह और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों जो मेन मैंने दिखा हूँ आपको, ये जो पूरा जो सफ़ेद हो गया ये सारे मर चुका है अभी, लेकिन फिर भी मैं इसमें डाल दूँगा, इसमें स्प्रे कर दूँगा ताकि अगर कुछ बचा है इसमें तो वो भी मर जाएगा। तो इसमें बिल्कुल जो है पत्ते के नीचे भी इसमें पूरा भिगो देना पड़ेगा इसको, ताकि बिल्कुल जो है पेस्ट इसमें ख़त्म हो जाए। ये तो दोस्तों देखिए इतना अच्छा फ्लावर, इतना अच्छा प्लांट्स है जो हिबिस्कस, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर है इसमें। अगर ये पेस्ट के कारण जो अगर मर गया सभी को दुख होगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो है मैं इसका जो टाइम मैं बता देता हूँ, मतलब आज स्प्रे किया फिर दोबारा आपको स्प्रे करना पड़ेगा 3 दिन के बाद। अगर आपको फिर लगे तो और 3 दिन के बाद फिर आप स्प्रे करेंगे, फिर जाके 10-15 दिन के बाद आप स्प्रे करेंगे पूरा, जब तक मतलब ये पेस्ट जो है कंट्रोल ना हो जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल नीचे से इसको पत्ते के नीचे जो है वो भी इसको स्प्रे कर देते हैं दोस्तों पूरा। जिसे आप ये मिली बॉक्स जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसको आप पानी के बोछारे से भी मतलब इसको कम कर सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, मरता नहीं है लेकिन फिर दोबारा आ जाता है। अगर पानी से वॉश करेंगे तो भी मतलब इसमें चला जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता जब तक आप पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल जो है ये अभी तो मर चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसमें स्प्रे कर देता हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत भी बचा है तो वो भी मर जाएगा। तो मिलीबग्स बिल्कुल ख़तरनाक एक पेस्ट है ये हिबिस्कस के लिए, इसको कंट्रोल करना बहुत मतलब मुश्किल होता है। और अगर मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको पेस्टिसाइड्स समय समय पर देते रहेंगे तो फिर ये कंट्रोल हो जाएगा। हर ब्रांच को मतलब आप पकड़ के इसको स्प्रे कर दीजिए ताकि बिल्कुल जो है कोई गुंजाइश ना रहे कहीं पे भी मतलब जो है आप इसमें जो पेस्ट है उसको कंट्रोल ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल पूरा जो है नहला दिया इसको, तो और फिर अगर मैं देखूंगा अगर पत्ता जो है इसका कर्ली, ये जो कर्ली पत्ता आप देख रहे हैं अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ फिर दोबारा 3 दिन के बाद फिर मैंने स्प्रे करूँगा इसको, और नहीं तो फिर ये फिर से दोबारा से मतलब जो है ये जितने मतलब बड्स है इसमें और फ्लावर आ रहा है वो फिर रुक जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने देख के मतलब ये जो है फ्लावर जो मेरा ये बहुत अच्छा लगा आपको, और जो मैं पेस्टिसाइड्स कैसे यूज़ किया उसको भी आपको पता चला। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जो मेरा चैनल है आप अगर नया देख रहे हैं मेरे चैनल को तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।